जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मद निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही सही आंसर दे पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। मैं लास्ट में सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे जोम्बेजी नदी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जोम्बेजी नदी पर स्थित है। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे फटाफट से आप सभी, और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो बात करें, हुमायूं नामा जो है ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। जो भी बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें गुलबदन बेगम, तो ये हुमायूं की बहन थी। अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध कौन सा था? सोच समझकर आंसर करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। अब देखिए, त्राइन का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था किनके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। त्राइन का दूसरा युद्ध होता है पुनः मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध जो था यही त्राइन का दूसरा युद्ध था, ध्यान रखना है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इसी में मुगल वंश की स्थापना होती है इसी युद्ध के बाद में बाबर के द्वारा। आगे देखिए, मेरियाना ट्रेंच में पाया जाता है, यानी किस महासागर में मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है? तो हमने आपको बताया था मेरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मेरियाना गर्त भी बोलते हैं, ये विश्व की सबसे गहरी खाई है, लगभग 11,033 मीटर खाई है, लगभग बोल सकते हैं 11 किलोमीटर, ध्यान रखना है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखिए, बात करें अटलांटिक महासागर की, तो आप लोगों ने सुना होगा सार गैसो जो है ये समुद्री मोटी घास है जो अटलांटिक महासागर में मिलता है, और इसमें सबसे अधिक क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, मूसा पारदिसिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? चलिए, छः के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? केला, केला का ये वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिए, कोलकाता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? और ये प्रश्न सीएसबीसी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, कोलकाता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो इसका सही आंसर है 1854 में। आगे देखिए, सूत्रकणिका की खोज किसने की थी?
तो बात करें सूत्रकणिका की खोज, तो ये किया गया था रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? तो ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन कुतुब मीनार की नींव रखने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पानी के टैंक में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो दसवें प्रश्न का आंसर है कॉपर सल्फेट है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चलिए 11 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरुआत होता है किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। अब प्रश्न पूछा गया है कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के पवनार में, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और फ्रेंड्स, बिहार सचिवालय सहायक 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाके देखिए, आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दे पाते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल पर जाइए, वीडियो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सोच समझकर आंसर करना है, इस तरह के प्रश्न में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए, बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, ध्यान से सुनिए, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। लेकिन बाबर के इच्छा के अनुसार इनको दफनाया गया था फिर बाद में काबुल में। तो यहाँ से एक प्रश्न इस तरह से बनता है, अगर पूछे बाबर का मकबरा कहाँ है तो काबुल में है, लेकिन मृत्यु कहाँ पर? आगरा में, ध्यान रखना है। चलिए और बता देते हैं ऑप्शन को, जैसे आपसे पूछ सकता है अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है, ध्यान रखना है। दिल्ली में किसका है? तो हमने आपको बताया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। लाहौर में किसका है? लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, काबुल में बाबर का है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में किस आईआईटी ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न को हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, श्रीलंका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? देखिए, ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है इसरो के द्वारा, ध्यान रखना है। बात करें इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेड क्वार्टर है बेंगलोर में, ध्यान रखना है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसरो की स्थापना कब होती है, मैंने आपको कराया है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझकर आंसर देना है। तो इसका आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में 20 दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 20 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज निम्न में से किस राजा का दूत था? चलिए, आप लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तब तक आपको बताते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, पूछा जाता है। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके सीखने के केंद्रों में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य जुड़े थे? यानी सिंपली आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे चाणक्य, ये इनमें से किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये जुड़े थे तक्षशिला से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था, याद रखना है कुमार गुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुने, आपका रिवीजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो दिल से ज़रूर लाइक करें। तो 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा। अशोक के प्रशासनिक नीति में किस परिवर्तन से गहरा बदलाव आया था? तो इसका आंसर जो भी बच्चे कलिंग युद्ध को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें कलिंग युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्ता निम्न मिश्र धातु में किसमें उपस्थित नहीं है? तो देखिए जस्ता जो है ये कांसा में उपस्थित नहीं होता है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात करें पीतल, तो पीतल जो है हमने ट्रिक बताया था पिताजी, यानी कि ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। कासा होता है कॉपर और टीन का। आप लोग कमेंट करके बताएंगे गन धातु ये किसका मिश्रण होता है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो भी बच्चे हाइड्रोजन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, कोयला में सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो देखिए तड़ित चालक निर्मित होते हैं किससे, तो तांबा से। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, पूछा जाता है, आंसर जरूर करना है, मैं चेक करूंगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, तो देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी कांच से, तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। प्रकाश की चाल पूछा जाता है निर्वात में, तो याद रखना है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। ध्वनि की चाल पूछा जाता है हवा में, तो 332 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, ध्वनि की चाल है हवा में। रेडियम प्राप्त होता है, तो ध्यान दीजिए रेडियम प्राप्त होता है किससे, तो पिच ब्लेड से प्राप्त होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। हेनरी किसका इकाई है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी जो है ये प्रेरकत्व की इकाई है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? तो याद कर लीजिए 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 0.24। पानी का अनुभार कितना होता है? तो पानी का अनुभार होता है 18 amu, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। साधारण जल का पूछे 18 और भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O, इसका हमने आपको बताया था कितना होता है 20 होता है, कितना होता है
20 होता है, ध्यान रखें। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ध्यान दीजिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। कांच एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान दीजिए, कांच जो है ये एक प्रकार का अति शीतित द्रव है। और देखिए, जिसने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के पीडीएफ आपको वहीं पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोगों से जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और बुक को ज़रूर पढ़ें। क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता है, डेली रात 8 बजे और दूसरा क्लास 9 बजे, और बीच में एक क्लास है 8:30 बजे, इसमें बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो देखिए, बात करें चुंबकीय डिस्क पर इसमें किस पदार्थ की परत होती है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि जो है ये स्थित होता है सिर में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी नहीं कह सकते हैं, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ई के होते हैं, ध्यान रखना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, और इसकी कमी से नपुंसकता होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, चलिए आंसर बताएंगे आप सभी फटाफट से, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करें।